आज हम बात करेंगे कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें विंडोज 7 डला हुआ है, और जब हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमें एक एरर मैसेज आता है परचेस विंडो का, और जब हम उसको क्लोज करके अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो हमें यहाँ नोटिफिकेशन एरिया में एक एरर मैसेज शो होता है, विंडोज 7 build 7600 दिस कॉपी ऑफ विंडो इज नॉट जेन्युइन, और हमारी जो स्क्रीन है यह ब्लैक हो जाती है। और अगर हम इस पर कोई बैकग्राउंड इमेज सेट करते हैं तो थोड़ी देर बाद एक हमें एरर मैसेज आता है जो कि है, ऑप्शनल अपडेट डिलीवरी इज नॉट वर्किंग, यू मे बी ए विक्टिम ऑफ सॉफ्टवेयर काउंटरफेटिंग, और हमारा जो हमने जो बैकग्राउंड इमेज सेट किया होता है वह फिर से हट जाता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा अपने स्टार्ट बटन पर, और यहाँ पर सर्च करना होगा CMD। तो CMD जब हम टाइप करेंगे तो यहाँ एक ब्लैक कलर का बॉक्स आ जाएगा और इस पर लिखा होगा CMD.exe। आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर लेफ्ट क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपसे परमिशन मांगेगा तो यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर एक कमांड टाइप करनी है जो कि है SLM GR स्पेस माइनस RE AR M, और आपको इंटर प्रेस कर देना है। आप थोड़ी देर देखेंगे, इंतजार करेंगे आप, तो आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, आपको यस कर देना है, यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद आपका जो एरर था वह सॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद आपको अपना ये CMD क्लोज कर देना है और आपको अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट कर देना है, बस आपका यह जो एरर था सॉल्व हो जाएगा।